बुलडोजर रुकते ही मन चलो की आई बाढ़, योगी ने उतारी अपनी फौज, महिला आईपीएस ने काटा बवाल। यूपी की सड़क पर ही हो गया बहुत बड़ा खेला, जहां छेड़ा वहीं हो गया अंतिम संस्कार, गजब हो रहा है। ऑपरेशन शक्ति लॉन्च होते ही अपराधियों का थानों में सरेंडर, अब एक बार हाथ लगा कर दिखाओ। रात के अंधेरे में यूपी पुलिस की महिला सिंगम अधिकारी क्यों घूम रही है? सादी वर्दी में महिला पुलिस किसे खोज रही है? क्या ये योगी का कोई नया मॉडल है या फिर योगी का कोई नया आदेश? बुलडोजर रुकते ही अपराध क्यों बढ़ गया? क्या योगी सरकार ने कोई ऐसी तरकीब निकाली है जो अपराधियों की नींद उड़ा देगी? यूपी के 75 जिलों में एक साथ ऑपरेशन मिशन शक्ति लॉन्च हुआ है। आधी रात को बरेली की पुलिस महिलाओं को रोक कर कुछ समझाती है, उन्हें कोई रजिस्टर भी दिखाती है। आखिर इस रजिस्टर में क्या लिखा है? क्या है ऑपरेशन दुर्गा शक्ति? क्या यूपी में अब छेड़खानी करने वालों की नसबंदी होगी या उनका कोई इलाज होगा? बरेली पुलिस की महिला पुलिस स्कूल, कॉलेज, बस स्टैंड, सड़क से लेकर शहर के हर कोने कोने तक महिलाओं को समझा रही है। सुदर्शन चक्र उठाने का वक्त आ गया है। कोई आपको छेड़ता है तो तुरंत हमें कॉल करना, कोई घूरता है या कोई कमेंट करता है तो हमें तुरंत कॉल करना। यूपी पुलिस अपना नंबर बांट रही है। क्या ये योगी का राम राज्य मॉडल है? ये दो मुस्लिम महिलाएं हैं जिनको यूपी पुलिस की एक महिला कांस्टेबल समझा रही है। बरेली के थाना हाफिजगंज जो मुस्लिम एरिया है, वहाँ भी बरेली पुलिस चप्पा चप्पा छान रही है। ये है बैंक की तस्वीरें। कोई डकैत बैंक में आ जाए उसके पहले यूपी पुलिस महिलाओं की सुरक्षा की पड़ताल कर रही है। बरेली पुलिस को कॉलेज जाने वाली एक बेटी मिली। महिला पुलिस और बेटी की उम्र लगभग एक जैसी ही है। वो जाबाज सिपाही समझाती है कि कोई छेड़ता है तो डरना नहीं, बस उसका पता बता देना। इतना ही नहीं, इधर यूपी पुलिस की महिला अधिकारी सड़कों पर मार्च कर रही है। लाल दुपट्टे में ये एक हिंदू महिला है, बेटी को अपने स्कूल छोड़ने जाती है। उसी दौरान तीन महिला सिपाही उसका रास्ता रोक कर पूछती है, अब डर तो नहीं लगता ना? बेटी को कोई दिक्कत तो नहीं या फिर तुम्हारी तरफ कोई गलत नजर से देखे तो बताना, ये कोई हवा हवाई बात नहीं। अब यूपी पुलिस ऑफिस में बैठकर पत्ते खेलने के बजाय शहर शहर जनता के बीच जाकर बता रही है ऑपरेशन शक्ति क्या है। ये सिर्फ बरेली में नहीं चल रहा बल्कि यूपी के हर शहर हर जिले में तेजी से चल रहा है। उधर यूपी की सिंगम पुलिस जगह जगह ऑपरेशन शक्ति चला रही है। इधर योगी ने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को नया नाम दे दिया है। योगी ने दावा किया है कि ये कुत्ते की दुम की तरह है जो कभी नहीं सुधर पाएंगे। कि जैसे कुत्ते की पूंछ सीधी नहीं हो सकती, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी के दरिंदे जो बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये कभी ठीक नहीं हो सकती। यूपी में बुलडोजर रुका तो अपराध बढ़ा। योगी जानते हैं कि कोर्ट के एक फैसले से सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। कोर्ट को पता है कि योगी का मॉडल सही था, लेकिन कोर्ट को सबकी सुननी होती है। यूपी के पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश मिला है कि पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा की होनी चाहिए। अगर किसी थानेदार ने शिकायत नहीं लिखी तो उसको तुरंत हटाएं। अगर किसी सिपाही ने जांच में सत्य का रास्ता छोड़कर अपराधियों की बात की तो उसकी कुर्सी खींच लीजिए। यूपी के इतिहास में ऐसी सख्ती शायद ही किसी को याद हो। अब एक तस्वीर देखिए, थाने के साथ अधिकारियों के ऑफिस में भी जनसुनवाई चल रही है। ऑपरेशन बुलडोजर पे विराम लग गया है। बाबा ने जारी किया ऑपरेशन शक्ति का फरमान। जहां अपराधी दिखे वहीं फाइल क्लोज करने का आदेश है। ऑपरेशन शक्ति से क्यों कांपे भाईजान? योगी का आदेश आया, कोई भी चौराहे पर खुरापात करे वहीं मिट्टी में मिला दो। ये तस्वीरें गवाही है। ये एसएसपी जो बरेली में एकदम सख्त है, महिला को किसी ने छेड़ा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। महिला के गले में चेन देखिए, उसे अब ये डर नहीं है कि कोई छीन लेगा। कोई छीन भी लेगा तो यूपी पुलिस छीनने वाले की जान भी छीन लेगी। योगी का बेटियों से क्या रिश्ता है? आखिर वो हर बेटी को अपनी बेटी क्यों समझते हैं? उन्हें अपने बारे में कम, बेटियों की चिंता ज्यादा क्यों सताती है? योगी की एक बहन है, वो अपनी दुकान आज भी चलाती है, लेकिन बहन ने भाई से एक बार रक्षाबंधन पे बहनों की रक्षा का वचन लिया था। योगी की एक कहानी, जब वो कॉलेज में थे तो एक दिन अंधेरा हो रहा था,
चार कॉलेज की लड़कियां घर नहीं पहुंच पा रही थी। कॉलेज की छात्रा देखकर बस वाले रोक नहीं रहे थे, तब योगी बस के सामने लेट गए, उन बेटियों को उनके घर तक छोड़ाए। ये एकदम सच्ची घटना है, कोई तो वजह है योगी को इतना लगाव है। बेटी बहनों की सुरक्षा का ख्याल तो हर इंसान को होना ही चाहिए, लेकिन सपा शायद इस बात को कभी समझ ही नहीं पाए। फर्क साफ है, इधर अखिलेश यादव मोहित के साथ है तो उधर योगी मोहित को मिट्टी में मिलाकर मानेंगे। ऑपरेशन शक्ति का मॉडल देख अपराधियों की पैंट गीली हो रही है। लखनऊ से लेकर नेपाल बॉर्डर तक एक जैसा ही मॉडल तैयार हुआ है, बुलडोजर रोका जा रहा है, लेकिन कोई इंसान चाह ले बेटियों की इज्जत बचानी है तो उसे कोई कैसे रोक सकता है। महाभारत हो या कलयुग, हर युग में कोई योगी पैदा होता है जो बेटियों के सम्मान की लड़ाई लड़कर योद्धा बनता है।